राम राम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो पढ़ाई थी वो इसकी बेसिक थी, बेसिक क्लास थी। तो मैं मुझे उम्मीद है कि आपने उसके सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉसेक थीटा बराबर। इन सारे जो भी आपने मान याद किए हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, ठीक है, जिससे मुझे पता लग जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट सवाल लगाने जा रहे हैं, ठीक है। 8.1 का त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एबी बराबर 24 और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है कि साइन साइन सी कॉस सी। समझ में हमने आपको बताया थे कि इन सवालों में सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। अब जिस जगह पर 90 अंश का कोण बनता है वहीं पे लिखा जाता है समकोण, ठीक है। अब कह रहा है कि बी समकोण है, कह रहा है कि बी समकोण है, तो शुरुआत जब की जाती है तो वहीं से की जाती है जहां पर 90 अंश का कोण बन रहा हो, जिस जगह पर। तो कोण कहां बन रहा है 90 अंश का, ये बन रहा है, तो बी यहीं पर लिख दो। समझ में आया। अगर वो कहता सी समकोण तो यहाँ पे सी लिख देते, वो कहता ए समकोण तो यहाँ पे ए लिख देते, ठीक है। तो अब कुछ भी लिख दो, ए बी सी लिख दिया, ए बी सी। अब इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर 24, तो ए बी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिख दो कितना 24, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7, तो यहाँ पर लिख दिया 7, क्लियर है। अगर चाहो तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखना 24 सेंटीमीटर, क्लियर। अब हमें क्या नहीं दे रखा, हमें कर्ण नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई भी थी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक। अब इसमें कर्ण क्या है, एसी है, तो यहां पे लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस सॉरी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जिसके मान दिए गए वही उठा कर रख दो, तो ए सी का मान दिया नहीं गया है, ए बी का मान कितना है 24, तो ए बी कितना ले दिया 24, ए बी का स्क्वायर तो 24 का भी स्क्वायर। ऐसे बी सी का मान कितना है 7, तो समझ आया, तो 7 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि बी सी का स्क्वायर, तो इसीलिए 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, क्लियर है। अब इनको जोड़ो, 576 और 49 को जोड़ो, तो इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 625, क्लियर है। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, ठीक है। अब जो 625 होता है किसी का वर्ग होता है, शायद आपको याद हो किसका होता है, 25 का होता है, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। कि जो 625 होता है वो किसका वर्ग होता है, 25 का होता है, तो ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब जो जो मान दिए होंगे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, इधर निकाल लें, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे साइन ए कॉस ए, क्लियर है। अगर आप चाहें तो दो चित्र भी बना सकते हैं, जिससे आपको कॉस ए कॉस साइन ए कॉस ए का मान एक अलग चित्र बना देंगे, साइन सी और कॉस सी का अलग चित्र बना देंगे। चलो देखो, ये हमने यहाँ पर इसको एक और चित्र बना दिया, ठीक है। इसको ए के लिए यूज करेंगे और इसको सी के लिए यूज करेंगे, ठीक है, ए बी सी, क्लियर है। इसमें क्या है, ए दिया है तो ए के सामने क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, समझ आया, तो ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता, दोनों में सेम ही रहेगा। अब इसमें सी लेंगे तो सी के सामने ये वाला लंब हो गया, समझ में आया, ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया, और ये हमारा क्या रहेगा कर्ण, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। ये हमारा 24 दिया गया है, ये कितना है 7, और ये हमारा कितना है 25 सेंटीमीटर, समझ में आया। ये हमने दो चित्र बना लिए जिससे आपको सही से समझ में आ जाए, वैसे एक भी चित्र से निकल आता है, लेकिन कुछ कमजोर बच्चे होते हैं वो
निकालने में थोड़ा समय लगाते हैं, ठीक है, और मैथ में समय लगाना ही सबसे गलत बात है, ठीक है, क्योंकि उसकी बार बार प्रैक्टिस करो और आराम से मान निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन को देखते हैं, साइन ऑफ कॉस को, साइन ऑफ कॉस है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब कॉस को देखो, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इतना समझ में आया, आधार बटे कर्ण। अब इसमें देखो ए वॉल्यूम, देखो ए ये है, तो ए के लिए हमने बताया क्या है, लंब, ये आधार, ये कर्ण, ये आसानी से लग जाएंगे, दिख भी रहा होगा, सात लंब है, कर्ण कितना है 25, इधर आ जाओ, इसमें आधार कितना है 24 और कर्ण तो हमारा भैया कितना 25। अब सी के लिए वो दूसरा वाला बनाया, ठीक है, ये ए के लिए, वो सी के लिए है, फिर दोनों को साथ में बता देंगे। अब साइन सी देख लो, साइन सी, फिर क्या देख लो, कॉस सी, भाई होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये होता है आधार बटे कर्ण, समझ में आया। अब सी के लिए दूसरा वाला है, ठीक है, ये सी के लिए है, तो उसमें देखो लंब कौन सा है और आधार कौन सा, उसमें लंब कितना है देखो 24 है, ठीक है, लंब इसमें कितना है 24, कर्ण हमारा वही रहेगा 25, आधार उसमें देखो कितना है 7, कर्ण वही रहेगा 25, समझ में। इसके देखो जस्ट अपोजिट आ रहे हैं, जो साइन का मान आ रहा है, देखो जो साइन का मान इसमें आ रहा है वो इसमें कॉस सी का मान, जो कॉस ए का मान है वो साइन सी का मान है, समझ में आया, लिख लो इसको। अब देखो जो दूसरा सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया हमारा, कि करे कि आकृति में टेन पी माइनस कॉट कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि आकृति में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, आकृति दी गई है, ये आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज उसमें दिया गया है, ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है, ठीक है, क्लियर है, ये कौन सा सवाल है दूसरा। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देख लें कि लंब कर्ण और आधार तीनों है या नहीं है, अगर तीनों नहीं है तो निकालना पड़ेगा। इसमें क्या दिया, ये वाली भुजा दे रखी और ये वाली दे रखी, ये नहीं दे रखी, क्यों आप, तो चलो सबसे पहले उसको निकालिए, ठीक है, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या, पी आर, पी आर स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग, फिर यहां से ले लो पी क्यू स्क्वायर, फिर क्यू आर स्क्वायर, क्यू क्यू आर स्क्वायर, क्लियर है। अब जो भी मान दिया उसको लिख लो, अब पी आर का मान दिया इसमें 13, तो पी आर की जगह लिख लो 13 का स्क्वायर, PQ का मान PQ का मान इसमें 12, तो PQ की जगह लिख दो 12, PQ का स्क्वायर तो 12 का भी स्क्वायर, और QR का आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, QR स्क्वायर 13 का स्क्वायर होता 169, 169, ठीक है, और 12 का होता 144, 144, QR स्क्वायर। अब आपको मान किसका निकालना है, क्यू आर स्क्वायर का, ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर आप इधर लाइए, 169 उधर ले जाइए, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर इधर लाएंगे, 169 उधर ले जाएंगे, जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, जब एक साइड से दूसरी साइड में जाता है बराबर किधर जाएगा, तो साइन बदलता है, ये प्लस का इधर किसका आ जाएगा, माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर 144, तो अपनी जगह रहा, उधर कौन गया, 169, तो माइनस 169, इतना समझ में आया, तो माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब 169 को माइनस करेंगे 144 से, 144 से 69 माइनस होगा नहीं 169, तो 169 से 144 को माइनस करेंगे, अब इन दोनों देखो बड़ा कौन है, 169 बड़ा है और ये कोई साइन नहीं था प्लस का होता, तो 169 में से 144 घटा देंगे, लेकिन साइन उसका आता जो बड़ा होता है, बड़ा 169 तो इसलिए माइनस का आ जाएगा, घटा तो 169 में से घटाओ 169 में से, तो ये 9 में से 4 गया 5 बचा, ठीक है, 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 में से कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आ गया 25, इधर स्क्वायर हट जाएगा तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट,
ठीक है, समझ में आया। तो क्यू आर बराबर आ गया, ये जो अंडर रूट 25 है ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग होता है, तो क्यू आर बराबर आ गया हमारा 5। ठीक है, ये हमारा निकल आया क्यू आर सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर का मान। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग टेन पी और कॉट आर का मान निकाल लें। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख दो टेन पी और कॉट आर, कॉट आर। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले टेन को देखो कॉट को देखो, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक, और कॉट बराबर होता आधार बटे लंब। मैंने उस अभी इससे पहले वाला सवाल में बताया था, उसमें दो चित्र बनाए थे, लेकिन इसमें अब दो नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बनाएंगे, हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब टेन दिया गया, टेन देखा, फिर उसके बाद देखो पी, अब पी कहां पे दिया है, यहां पर, समझ में आया, तो इसके सामने लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये पी के लिए लंब होगा, किसके लिए होगा, पी के लिए लंब हो जाएगा। तो कितना है 5, आधार कितना हो गया 12, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, क्या चाहिए हमें, आर देखो कहां पे दिया है यहां पे, तो आर के सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, समझ में आया, तो ये आधार हो गया और ये लंब, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, अभी हमें कुछ चाहिए नहीं है, जिसको चाहिए नहीं होगा हम उसको मतलब नहीं रखेंगे, समझ में आया, सही है बताओ गलत है, क्योंकि हमने जो आर ये क्या लिख दिया यहाँ पे लंब का मान लिख दिया, जबकि ये आधार कौन सा है इसमें 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 बटे में कितना 12, लंब इसमें कितना है 12, समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर मान उठा के रखेंगे, तो इसको यहाँ लिख लो tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p का मान कितना है 5 बटे 12, cot r का मान कितना है 5 बटे 12, तो दोनों कट गए एक प्लस और माइनस के, तो आंसर आ गया हमारा 0, समझ में आएगा। दूसरा सवाल में हमारा लग गया, इसको उतार लो, अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, या परिकलन कीजिए जो भी हो, समझ में आया, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरा वही काम है, समकोण त्रिभुज को बनाना, समझ में आया, किसको बनाना काम है, समकोण त्रिभुज। अब ए यहां पर दिया गया, जो भी साइन के साथ में होगा या कॉस के साथ में होगा, जो भी होगा यहाँ पे दिया होगा, उसको या तो यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, समझ में आया, इन दोनों में से सिर्फ एक जगह लिखेंगे, तो चलो हम लोग ऊपर लिखे दे रहे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, क्लियर हो गया। अब कह रहे कि साइन बराबर 3/4, साइन बराबर दिया है 3/4, अब साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है अभी आपको बताया कि लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण, कितना दिया गया है 3/4, समझ में कितना दिया है 3/4, अब इसका मतलब 3 हो गया लंब और कर्ण कितना हो गया 4, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला कर्ण, तो इसका देख लो लंब के सामने 3 है और कर्ण के सामने 4 है, तो लंब हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। अब ये देखो ए यहाँ पे दिख रही है, ए के सामने ये हमारा हो गया लंब, तो इसका मतलब ये लंब हो गया हमारा 3, ठीक है, कर्ण हमारा कितना 4, ठीक है, जिधर तीर हो समझ लो भाई लंब होगा, समझ में आ गया, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया लंब, ये हमारा है कर्ण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, समझ में आया, जो भी निकलेगा वो हमारा आधार निकलेगा, फिर भाई काम हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता, कर्ण का वर्ग भाई एसी का वर्ग बराबर इसको ले लो एबी का वर्ग प्लस फिर इसको बीसी का वर्ग, इतना समझ आया, जो भी मान दिया है मान रख दो, एसी का वर्ग कितना है 4, तो 4 की जगह लिख दो उसका स्क्वायर, एबी एबी निकालना है तो एबी को वैसे लिख दो, ठीक है, प्लस
बीसी हमारा तीन दिया तो तीन का स्क्वायर, क्योंकि बीसी का स्क्वायर है तो तीन का भी स्क्वायर, बार बार नहीं बता रहे जिससे आप बहुत सारे सवाल लगवा चुके हैं। चार का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक। फिर भाई अभी जो किया था ए बी स्क्वायर इधर आएगा 16 उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा प्लस का उधर था तो इधर आएगा तो माइनस। जब भी बराबर के इधर या उधर साइन जाते हैं तो हमेशा चिन्ह बदलते हैं, प्लस वाला होगा माइनस, को माइनस वाला प्लस, ये प्लस का इधर आएगा माइनस, 9 अपनी जगह पर है, 9 कहीं नहीं जा रहा, जहां पे वहीं रहेंगे, ये प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, समझ में आया। तो माइनस ए बी स्क्वायर बराबर कितना बचा, अब प्लस के हैं 9 माइनस के 16, ज्यादा कौन है माइनस, तो माइनस का साइन और 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, तो माइनस से माइनस कट गया, ए बी स्क्वायर बराबर आ गया 7, इधर स्क्वायर हट जाएगा तो उधर क्या लग जाएगा रूट, तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 7। अब ये रूट जो 7 होता है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, वर्ग नहीं होता इसका मतलब ये बाहर भी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आ गया रूट 7, समझ में आ गया। और ये हमारा है क्या आधार है, समझ। अब मान आपसे किसके पूछे, कॉस ए का मान पूछा और टैन ए का, तो कॉस ए बराबर लिख लो और टैन बराबर लिख लो। सबसे पहले हमने मैंने क्या कहा आपको, सौ कॉस को देखिए, कॉस बराबर क्या होता आधार बटे कर्ण, टैन बराबर क्या होता लंब बटे आधार। ये जो फॉर्मूले हैं ये आप याद कर लो, याद कर लो चाहे रट लो, जो भी हो आप कर लो लेकिन, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे आप कभी भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब इसमें पहले से दिया कि सारा लिखा हुआ है, अब इसमें बदल तो नहीं रहा है, ए है तो ए ही है दोनों जगह, अगर ए ए होता सी तो बदलता लंब और आधार, लेकिन अब सेम है तो भाई लिख दो आधार कितना है इसमें देखो अंडर रूट 7, तो ये आ गया अंडर रूट 7, कर्ण हमारा कितना है 4। अब लंब इसमें लिखा हुआ दिख रहा है कि 3 है और आधार हमारा कितना है अंडर रूट 7, ये भी हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है।